Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Horoscopes, where truth always exposes darkness. So kaise hai sab log, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग. और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअली में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम आपकी जिंदगी में कैसा रहेगा. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस. ठीक है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस. और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. यहाँ पे हम सच सुनने के लिए है, तो क्या सच है, असलियत जो है उसका पर्दाफाश जरूर होगा. ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना है कि सिचुएशंस, ठीक है, फीलिंग्स एक इंसान का चेंज होते रहता है. ठीक है, सो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो इसलिए बोल रही हूँ. तो आज का जो ड्राइंग है, आज का जो स्केच है वो है कैंगरू. कैंगरू सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन पे तो जरूर लिखना है. कैंगरूज एक प्रतीक माना जाता है लीडरशिप रोल्स के लिए. ठीक है, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है, उनके अंदर इतना एनर्जीज होते हैं कि वो कोई भी एडवर्स सिचुएशन, मतलब नेगेटिव सिचुएशन से बच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना स्ट्रेंथ होता है. ठीक है, दूसरा चीज़ है कि कहीं ना कहीं पर वो अपने बच्चे को किसी भी हालत में, हाँ ये मानते हैं हम, एक माँ अपने बच्चे से किसी भी हालत में उसको प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन इनमें कई ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाई देता है. ठीक है, इनके अंदर एक थैली होती है और वो बच्चे को वहां पे रख देते हैं. सो द एक्सटेंड, देखो नेचर ने भी उनको एक पर्स जैसा, एक थैली जैसा दिया ताकि वो अपने बच्चे से जुड़े हुए रहे. ठीक है, इवन ये जंप भी मरते हैं ना तो भी इनके बच्चे कुछ भी उनका होता नहीं है. ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट एनिमल. हमेशा हमें सीखना चाहिए कि डेंजर से कैसे लड़ सकते हैं हम. ठीक है, और हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस तरह से. चलो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कितना प्रोटेक्शन अनुभव करते हैं. ठीक है, ये कितना फील करते हैं आपके लिए. आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए और हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है. सो लेट्स लाइट द कैंडल. यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में, उनके पार्टनर्स जो है क्या फील करते हैं, क्या फील एक्चुअली में करते हैं. यहाँ पे पहले ही क्या फील करते हैं बोलते बोलते यहाँ पे ना एल होते जा रहा है. यहाँ पे एस का सिंबल या टू का नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया. ओके, ऑलराइट. देखो अच्छा, अभी इस वक्त ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि काश आपके साथ अगर वो, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए रहते. ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो इससे बेटर और कुछ नहीं होता, क्योंकि हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा, आई डू फील लाइक इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता. क्योंकि देखो क्या होता है ना, एरिस्टोटल जो थे ना वो एक रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, तो कहीं ना कहीं पे फिलोसोफर भी थे. तो उन्होंने ऐसा बताया है, दस द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. उसका मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल 3+3 6 है, राइट, बट उनके हिसाब से 3+3 = 7 हो सकता है. कैसे, जितना लोग जुड़ते जाएंगे, उनके आइडियाज, उनके जो ओपिनियन है, उनके जो व्यू पॉइंट है, नजरिया है, उनके व्यवहार, ठीक है, उनके जो तरीका है पेश आना, उनके जो नॉलेज है, ठीक है, ये सब कुछ काम लगाया जा सकता है. ठीक है, तो आपके पर्सन एज अ लीडर बहुत अच्छे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, उनको सब कुछ पता है, लेकिन जब निजी जिंदगी आई
तब उनको अभी एहसास हो रहा है कि काश मैंने, यहाँ पे एक शेफ कैप दिखाई दे रहा है, तो उनको इस तरह से मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर बैठा या कर बैठी, मुझे आपको साथ लेके चलना चाहिए था, वरना मेरी ज़िंदगी अभी तक तो 10 of cups जैसा हो जाता या हो जाती। बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे इनके पास ऑलरेडी 2 options थे। यहाँ पे 3 number and 5 number इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये इंसान आपको अभी अहमियत देते हैं, लेकिन बहुत समय पहले ये आपको तवज्जो बिल्कुल नहीं देते थे, ये कन्फर्म्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा छान बीन करते हैं लोगों के बारे में हो, सपोज़ उनके साथ कोई डील करने आ रहे हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे स्मोकलेस कैंडल पे स्मोक आ रहा है, अगेन इट इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। मैं हमेशा स्मोकलेस कैंडल ही खरीदती हूँ, और फिर भी यहाँ पे फिर से मुझे एक लंग्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लंग्स है, आपको क्या दिखाई दे रहा है आप ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लंग्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका या उस पर्सन का या इनके खानदान में कुछ एस्मा रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ब्रोंकाइटिस हो चुका है, या ये लंग्स रिलेटेड कुछ मेडिकल हो सकता है कि उस काम को करते हैं। यहाँ पे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसा सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं पे मेरे साथ अगर तुम होते तो आज तो मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी नहीं रहती, ठीक है। देखो, बेसिकली ये इंसान ऐसा समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो कैंगरू का पिक्चर है, और ऊपर से यहाँ पे भी जो इमेज आ रहा है मोर और लेस कैंगरू का ही है। सो देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन। एक वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर या ट्विन फ्लेम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया है। ये वीडियो में लिंक बटन में मैं दे दूंगी, आई बटन पे आप लोग देख लेना। फिर भी मैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं फिर से बोल देती हूँ, कभी कभार उनको आपके अंदर कुछ कमियाँ दिखाई दी और आपको उनके अंदर कुछ कमियाँ दिखाई दी। इसका मतलब ये है, अगर हमें दूसरों के अंदर कुछ कमी दिखाई देता है तो वो फॉल्ट या वो कमी कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर होते हैं। इट्स अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट। अगर हम दूसरों को बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपका मन, तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली अगर हम बोलते हैं तो इस तरह से है, ठीक है। तो वो हमारे अंदर भी अच्छा ही होती है, वरना हम किसी को कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ये इंसान यहाँ पे देखो 4 leaf clover बन चुका है, 1 2 3 4। तो ये इंसान अभी भी, ठीक है, उम्मीद का किरण उनके दिल में अभी भी है, फेथ होप रख रहे हैं, लव प्यार है, ऑनेस्टी के साथ ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान मुझे लग रहा है इनके पैर के साइज या आपके पैर के साइज काफ़ी डिफरेंस होंगे। मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना, यहाँ पे एक रैबिट भी दिखाई दे रहा है जिसका कान बहुत बड़ा बड़ा है। तो रैबिट इज़ वेरी मच, यू कैन से रन वेरी फास्ट, और वो इजिली छुप जाते हैं। तो ऐसा कभी बहुत बार हुआ है कि इंसान ना आपको ऑनलाइन में आते देख के ही खुद छुप गए थे, क्योंकि वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो आपको फ्रैंकली बता भी नहीं पा रहे थे। शायद आप गुस्सा कर लो या उनके हाथ से ऑप्शंस चले जाए। स्वार्थी, एरोगेंट, सेल्फिश, ठीक है, रूड, ठीक है, वेरी हैपजर्डली ये मैनेज नहीं कर, मतलब हैपजर्डली ये क्या करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ या करियर लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये लव लाइफ को ना एक मेस बना देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पर होता है ना कि हमारे बाल जो है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि उलझन मतलब क्या है वो, एकदम मतलब हम उसको प्रॉपरली कॉम्ब नहीं कर सकते, डस्ट अगर आ जाता है या कहीं ना कहीं पे बहुत 2-3 दिन के बाद अगर कोई कॉम्ब कर रहा है, वो तो करना ही नहीं चाहिए। ब्रश नहीं कर, मतलब हेयर ब्रशिंग तो रेगुलर करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो फंस जाता है वो बाल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये अपने लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा केयरलेस रहे हैं, और जिस तरह से बोला जाता है ना
इनका गुस्सा का जो पारा है द टेम्परेचर ओके इट्स सो हाई कि आप टॉलरेट ही नहीं कर पाए इनको, मतलब ये इतना आपको बुरी तरह से इंसल्ट कर देते थे या सोचते थे कि मैं इसको इससे भी ज़्यादा बता सकता हूँ या बता सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको नहीं चाहिए अपने ज़िंदगी में, जब चाहिए होगा मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए आप। तो इस तरह का फ्रैंक स्टेटमेंट भी उन्होंने आपके साथ किया, करते हुए भी उन्होंने ये इंसान इतना है मैं क्या बताऊँ इस इंसान के बारे में, फितरत तो देखो फिर भी आपके बारे में छानबीन करते हैं, सीक्रेटली स्टॉक करना, स्पाई करना, हाइड करके देखना अगर आप इनके घर के आसपास रहते हो, तो इस तरह से हो सकता है कि ये इंसान जो है घर से झांक के देखेंगे आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, उनको लगता है कि आपके जीवन में कोई आ चुका है, तो उल्टा उनको लगता है कि आप ही उनको धोखा दे रहे हो। देखो कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे एंड लेटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, कोई रोबोटिक्स लेके स्टडी करता है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आपने इनकी आदत इतना ज़्यादा बिगड़ दिया था कि आपको ना ऐसे समझते थे जिस तरह से हम रोबोट को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना और वो उस अनुसार काम करते हैं, उस तरह से उनको लगा कि आप उनके मतलब हाथ की मुट्ठी में हो और वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं जिस तरह से वो चाहे। सो दिस वॉज वेरी बैड ऑफ दिस पर्सन। रिसेंटली ये सोच रहे हैं इस तरह से कि ये इंसान जो है, ठीक है मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलती को ये रियलाइज तो कर रहे हैं लेकिन उस लेवल पे वो नहीं कर रहे हैं, उस लेवल पे वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे द नंबर 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, एल लेटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, बार बार एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। सो इनके आपने क्या है, आपके अंदर एक बचपना है जो आप बाहर निकलना चाहते थे इनके सामने, आप और फ्रैंक होके अपने जो नेचर है उसको लूज करना है, ठीक है आपको, लेकिन ये आपको मौका ही कहाँ देते थे, पूरा बात ही आपका नहीं सुना करते थे, कंप्लीशन होने तक भी ये नहीं सुनते थे, जब ज़रूरत पड़ा सुना वरना नहीं सुना, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस कैन बी अ स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन जहाँ पे इंसान कॉन्स्टेंटली आपको अभी ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये ट्रिगर कर रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि ये इंसान ठीक है आपको प्रोवोक कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए और आप रिएक्ट करो, आप इनको रेस्पॉन्ड कर सकते हो बट रिएक्ट मत करने जाना इनको, ठीक है ये उल्टा आपको और रिएक्शन देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है द कैंडल इज मेल्टिंग इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा सा स्लोप यहाँ पे फिर से फिल हुआ है, ठीक है। 8 लेटर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, यहाँ पे एक पेंगुइन आया है, खुद देखो यहाँ पे एक पेंगुइन आई है, पेंगुइन उड़ नहीं सकते बट उनके पंख होते हैं, राइट, मतलब क्या है इनके अभी हालत इतना मतलब डिटोरिएट कर चुका है कि कहीं ना कहीं पे इनके पास ऑप्शंस होते हुए भी ये उस ऑप्शंस को ले नहीं पा रहे हैं, पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इंसान कभी ना कभी मुझे लगता है आपकी सहायता इनकी ज़रूरत है, चाहते हैं कि आप इनके करीब आ जाओ और धीरे धीरे आओ उनके लाइफ में, अगर आप थोड़ा सा भी जल्दी भागने की कोशिश करोगे इनको पाने में फिर भी ये दूर आपको हटा देंगे। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली टू अ नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है ये इंसान, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी विल वेयर द पर्पल कलर क्लोथ्स, या हो सकता है इनको, हो सकता है कि आप नाइट वेयर पहन के इसको देख रहे हो या रात के समय पे देख रहे हो, सोते सोते देख रहे हो या अर्ली मॉर्निंग देख रहे हो, या उस दौरान हो सकता है कि आपके घर में बिजली का प्रॉब्लम्स है या अचानक बिजली आ गया और आप इस वीडियो को देखना शुरू किया, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट मी सी व्हाट्स द फाइनल थिंग दैट दे वांट टू डू, क्या करना क्या चाहते हैं, बेसिकली इस इंसान का मोटिव क्या है।
What is the motive of this person? मुझे यहाँ पे क्यों महसूस हो रहा है कि आपके घर के आसपास छोटे 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 पत्थर है और उसके आसपास घास भी है। बहुत अच्छे से अपने अपने घर को सजाया, या आपके पास पॉट्स हो सकते हैं, पौधे, और उस पॉट में वाइट वाइट स्टोन्स रखा हुआ है, या आपके घर में वाइट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, या इस पर्सन की एक यहाँ पे एक बगीचा जैसा फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। आधा तो आपके घर में के सामने हो सकता है, या इनके घर के सामने हो सकता है, क्या हो सकता है कि आप लोग पार्क्स में मिलते थे, ठीक है, लवर्स पार्क में, और बहुत सा सुकून आप महसूस करते थे इस पर्सन के साथ। द गार्डन अगर मेरे मुंह से निकला, इसका मतलब यही है, फाइनली ये इंसान आपके साथ वो बगीचा को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें फल हो, फूल हो, ठीक है, और वहाँ पे शांति हो, वहाँ पे सुंदरता हो, वहाँ पे नेचुरल वे से ही आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नेचुरल वे से। और ये आपको इस इतना मजबूर करेंगे, मैं ये भी बता रही हूँ, विद इन मे बी 2 days या 2 weeks भी हो सकता है, या 2 months भी हो सकता है, ये आपको इतना मजबूर करेंगे कि आप इनके पास दौड़ के जाओगे, बिकॉज दे विल शो इन दैट मैनर, ये आपके पास दौड़ के आएंगे और आपको ज़रूर ना कुछ बताएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया इनके बिजनेस पे सही या पर्सनल लाइफ में सही कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि आप ही सिर्फ इनके रेस्क्यूअर हो और कोई नहीं, आप ही इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो एज अ मदर, नो वन, ठीक है। कुछ यहाँ पे देखो क्रॉस साइन बना है, स्पिरिचुअल क्रॉस, ठीक है, लॉर्ड जीसस की आशीर्वाद यहाँ पे आया है, यहाँ से मुझे कैमरा से दिखाई दे रहा है समथिंग, मतलब ऐसा होता है ना पेचीदा, ये पेचीदा रिलेशनशिप कट हो जाएगा। यहाँ पे एक 5 भी बना है, सो 5 कैन ऑल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट, 5, 14, 23rd, क्या हो सकता है कि आप लोग मिले थे ऑन मे बी 5th को या मई महीने में आप लोग मिले थे। दूसरा चीज़ है, इसको हम अगर यहाँ पे इस तरह से करें तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि एक चिड़िया जो आपके कान के अंदर, मतलब उस कुछ बोलना चाह रहे हैं, मतलब नेचर वांट्स टू स्पीक टू यू, नेचर कुछ सिग्नल्स आपको देंगे, सिंक्रोनिसिटीज देंगे। मे बी इस रीडिंग को देखने के बाद मे बी आप कैंगरूज देख ही लो, ठीक है, मे बी ऑन द चैनल्स, ओके, मे बी इन ड्रीम्स आप देख ही लो तो आप कंफर्म हो जाओगे, कुछ दिन के बाद देखो तभी भी सही है, ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। या कोई भी एनिमल के साथ उसका बच्चा अगर आप देख लेते हो तो कंफर्म हो जाना कि आप ही क्या रीडिंग था, एंड डेफिनेटली सारे मैटर्स जो है वो रेजोनेट करेंगे, ठीक है। और राइट, अभी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहा है। मैंने स्पेसिफिकली आज ही इस डेक को यूज़ करूँगी, अभी भी एक डेक आना बाकी है और एक फर्नीचर आना भी बाकी, अभी घर का अभी भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, एंड देन आई एम ऑल्सो मैनेजिंग इट, ओके, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, उनको क्या करने चाहिए प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ईज, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव। अगर आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपके फाइनेंशियल क्राइसिस ओवर हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेन द अबंडेंस इन योर लाइफ। लक्ष्मी जी की प्रतीक है यहाँ पे, लक्ष्मी जी खुद आए हैं, लक्ष्मी जी का अगर आप, इफ़ यू बिलोंग टू दिस रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा माना जाता है लक्ष्मी जी का जाप करने से जो भी पाप हम जाने अनजाने में करते हैं, ठीक है, वो धुल जाता है, तो आप कर सकते हैं एनी वे फॉर अदर्स। यहाँ पे एलिफेंट भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप देख सकते हो अपने सपने में या वॉलपेपर में एलिफेंट्स, लोटस, एनी गॉडेस, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। सो लेट मी सी मोर गाइडेंस कमिंग फॉर यू। टेंशन, चिंता सब कुछ दूर होगा, ग्रीफ,
बहुत दुखी हो गई। आपके दुख से ये आपको हमेशा मानने चाहिए कि किसी को कोई फर्क पड़ता है या नहीं। आप दुख में रहोगे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोवर्ब यू नो कि व्हेन यू क्राई अलोन, व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू। जब आप हंसते हो तब पूरा दुनिया हंसता है आपके साथ, और जब आप रोते हो ना गाइस तो सिर्फ अकेले आप ही रो जाते हो, क्योंकि कोई रोना धोना, इवन मैं आपको ये भी बताती हूँ, जब लोग अकेले होते हैं या कुछ लोग गरीब होते हैं, ठीक है, जिनका सहारा नहीं है, उनका साथ देने के लिए आजकल के ज़माने में तो कोई नहीं है। हाँ, मैं भी पहले था, बट नाउ इट इज नो वन अकम्पनीज द पुअर, द अंडर प्रिविलेज्ड, जो बेचारे कुत्ते बिल्ली होते हैं रास्ते में, ठीक है, प्यास के मारे मर जाते हैं, खाना के बिना मर जाते हैं, डिजीज में मर जाते हैं, कोई केयर नहीं करता उनका। तो एज अ ह्यूमन बींग आप सबसे इंटेलिजेंट हो, तो यू नीड टू केयर फॉर योर सेल्फ। आपको दिल से चोट पहुंची है मैं मानती हूँ, बट ये जो घाव है वो भरेगा तभी जब आप खुद रेडी होंगे उसको भरने के लिए। टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आईज इन द हार्ट मेल्ट्स, आंखों से आंसू गिरते हैं तभी जब ये जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसके अंदर जब आइस हो जाता है, मतलब बर्फ हो जाता है, वो पिघल जाता है, तभी बोला जा रहा है। मतलब बहुत कुछ चीज आप अपने सर के ऊपर लेके चल रहे हो, ठीक है, तो आंसू तो गिरेंगे ही आपके, डोंट डू दैट, सरेंडर। कुछ चीज है जो सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत सारे साइंटिस्ट्स है, बहुत सारे फिलोसोफर्स है, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग है, कुछ मिस्टीरियस चीजें सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स को कंट्रोल करने मत जाना, यूनिवर्स ऐसा करो वैसा करो, यूनिवर्स को कंट्रोल करने कोई भी मत जाओ, जो भी है यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो। मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मेरे बस में है तो मैं उसके लिए लड़ रही हूँ, अगर मेरे बस में नहीं है तो मैं नहीं लड़ूंगी। अगर कोई किसी का रेपुटेशन खराब कर रहा है और आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है, आपके अंदर आपके पास उतना शक्ति नहीं है उनको अपोजिशन करना, आप सिर्फ गॉड के ऊपर छोड़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे पावरफुल लोग होते ही है जिनके विरुद्ध जाके कुछ काम नहीं किया जा सकता। ये पर्सन अगर आपको एक्सप्लॉयट किए हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मजबूर किए हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स दिए हैं आपके लाइफ में, जो अगर ये नहीं आते, अगर नहीं देते, तो आप पूरी तरह से सरेंडर कर सकते हो। कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप से भागना है या इस रिलेशनशिप में जुड़ के रहना है, सो यू जस्ट सरेंडर। अपने अहम को ये अगर इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये कभी भी आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पहली बात है, आपके पर्सन को भी अपने जो अहम है उसको छुपाना है। प्यार में ना कोई अहम नहीं होता भाई, नहीं होता। इन ट्रू लव देयर इज नो ईगो, नो ईगो। यहाँ पे है लास्ट में डिवाइन सोर्स। देखो यहाँ पे एक लड़का का हाथ है, यहाँ पे एक लड़की का हाथ है। यहाँ पे हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम। यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा रहा है, अगर दिव्य शक्ति ने आप दोनों का कनेक्शंस लिखा है तो ऑफकोर्स होगा, आप दोनों का हाथ इस तरह से मिलन जरूर होगा। और आपको ये भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि राइट एक्शंस गॉड जरूर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड गाइडेंस, आई होप यू लाइक इट। इसे मैं बोलती हूँ, लास्ट तक प्लीज गाइडेंस को सुने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself and please clean the reading.